started the organolithium chemistry, and we talked about the organolithium chemistry, how organolithium jo hai ye hum bana sakte hain aur unke kya kya fayde hote hain, and how they are working or how their reactivity goes toward the organic substrate, to humne pad liya tha kal. Today we'll be talking about the organomagnesium and probably about the organozinc if the time allow us. ठीक है, तो organomagnesium chemistry भी बहुत बड़ी है, जिसको हम कहते हैं Grignard reagent in short words. ठीक है, ये Grignard ने बनाया था, इसलिए इसको Grignard reagent भी कहते हैं. और organozinc तो जिसमें organic compound और zinc हो. organomagnesium में magnesium के साथ organic substrate लगा होता है. तो ये भी वो लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम या फिनाइल लिथियम जो भी था, सो दैट वाज बिलोंगिंग टू ग्रुप वन. नाउ ऑर्गेनोमैग्नीशियम जो है, दिस इज बिलोंगिंग टू ग्रुप टू. सो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ अटैच होता है. सो ऑर्गेनिक, ये फिर इसके वो सिमिलैरिटीज को भी बता रहे हैं. ये इसको बता दे, इजाज साहब को बता दे कि अपना पे जो है ये रिलोड कर दे, तो फिर ये हो सकता है. ये पहले से लॉग इन होगा तो बहुत टाइम हो गया होगा, तो इसलिए अब नहीं होता. अच्छा, फिर ऑर्गेनोमैग्नीशियम और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो है, ये तकरीबन इनकी रिएक्टिविटी, ये कहते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं. लेकिन क्या है कि मैग्नीशियम और जिंक जो है, ये थोड़े से मतलब इनकी केमिस्ट्री सिमिलर है, लेकिन रिएक्टिविटी में ये दोनों डिफरेंस शो करते हैं. मैग्नीशियम के कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जिंक के कंपाउंड जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं. अब इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंस जो अराइज होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ द मेटल. मैग्नीशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन जिंक, दैट इज़ वाई मैग्नीशियम जो है ये, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिंक की रिएक्टिविटी कम है ऑर्गेनोजिंक की. सो अमंग द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एंड 12, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ देयर एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. यू नो अबाउट द Grignard reagent, कि Grignard reagent जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या रोल प्ले करता है. Grignard reagent के बगैर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप वजूद ही नहीं देख सकते. मतलब एक तरीके से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएजेंट है ये, एंड दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक इन नेचर. सो Grignard reagent के बगैर अब ऑर्गेनिक सिंथेसिस बिल्कुल मुश्किल हो जाती है, बिकॉज इट एक्टिवेट सी एच आर सी सी बॉन्ड्स एंड ईजीली अंडरगोज द रिएक्शंस. ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स कंबाइन इन अ यूनिक वे विद हाई रिएक्टिविटी एंड ईज ऑफ एक्सेस. ये सिर्फ आपको रिएक्टिविटी बढ़ा के वो जो रिएक्शन होता है पर्टिकुलर, उसको कैरी आउट करता है. सो Grignard reagent, वी आर स्टार्टिंग Grignard reagent. Grignard reagents आर फॉर्म्ड वीआर द एक्शन ऑफ एन अल्काइल और एराइल हैलाइड एंड मैग्नीशियम मेटल लाइक Mg प्लस Rx. ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि मीडियम में आपके पास कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो. तो वाटर मॉलिक्यूल्स मस्ट बी मिनिमाइज, दिस रिएक्शन मस्ट बी कैरियड आउट एट इनर्ट एटमॉस्फेयर, बिल्कुल नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हो. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ भी, ये रिएक्शन करता है, कुछ बनाता है. ये यू विल सी कि वाटर के साथ क्या बनाता है. सो दिस रिएक्शन इज occurring in a medium of the ether, ET2O, ethyl, diethyl ether, or THF, THF भी tetrahydrofuran, this is cyclic ether. तो दोनों solvent जो हैं ये ether हैं. तो ये magnesium और alkyl halide को आप जब react करते हैं, so this produces RMgX, ET2ON, मतलब सॉल्वेंट भी इसके साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते लोग ज़्यादातर. एक्स जो होगा ये बीआर या आयोडीन होगा.
आप क्लोरीन वाला भी बना सकते हैं, आप फ्लोरीन वाला भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं। जो ब्रोमीन और आयोडीन के होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द एडिशन ऑफ आयोडीन एक्टिवेट्स द मैग्नीशियम सरफेसेस MgI2, दस फॉर्म बाइंड्स द लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर इन द रिएक्शन मिक्सचर। अगर रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी वाटर हो तो उसके लिए आप एडिशन ऑफ आयोडीन करें, आयोडीन को ऐड करें, सो दिस विल रिमूव द वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम। इसमें ये याद रखें, इन्होंने श्लिंक इक्विलिब्रियम लिखा है। श्लिंक इज अ टेक्निक विच इंश्योर्स द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द रिएक्शन। सो श्लिंक इक्विलिब्रियम ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस फ्रॉम वेरिंग अमाउंट्स ऑफ डाई ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स दे आर, दिस इज R2RMgX, R2Mg प्लस MgX2। ये नीचे जो है स्ट्रक्चर्स शो किए गए हैं, मतलब आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये इस इक्विलिब्रियम में पाया जाता है, ठीक है। नो नीचे जो है स्ट्रक्चरली शो किया गया है, ये स्ट्रक्चरली है और ऊपर रिएक्शन वाइज है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, RMgX जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दिस कैन रिएक्ट विद वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सट्रेट, आप देख सकते हैं। लाइक आई एम स्टार्टिंग विद दिस वन इज द, ये देख सकते हैं, दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के साथ जब RMgX रिएक्शन करता है सो इट प्रोड्यूसेस दिस अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। दूसरी एल्डिहाइड, दूसरा जो ये एल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड है, लेकिन ये अल्कोहल और ये अल्कोहल में फर्क है, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब जब आपके पास एक साइड पे एल्डिहाइड का अल्काइल ग्रुप अटैच हो आर डैश और दूसरे साइड पे एच है, सो दिस विल प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। ये अपने जहन में रखें, एसिटल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल बनाता है और बाकी एल्डिहाइड्स के साथ ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। इस तरह ये कीटोन के साथ जब रिएक्शन करता है, दिस वन नज़र आ रहा है ना, ये कर्सर में घुमा रहा हूँ, नज़र आता है। यस सर, आ रहे नजर। अच्छा, जब कीटोन जो है कीटोन के साथ ये रिएक्ट करता है सो दिस प्रोड्यूसेस टर्शरी अल्कोहल। इसको टर्शरी, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है, प्राइमरी अल्कोहल में लाइक CH3OH है, मिथेनॉल है, CH3OH, सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर आप ये OH जो है एट वन टाइम ऐसे सेंटर के साथ अटैच्ड हो जो मतलब CH3OH या CH3CH2OH, लेकिन जब आपके पास अल्कोहल जो है ओ एच ग्रुप सी एच के साथ अटैच्ड हो, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। लाइक इन दिस एग्जाम्पल दिस इज सी एच ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर आपके पास ओ एच जो है ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड हो जिसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो, सो दिस इज कॉल्ड टर्शरी हाइड्रोजन, टर्शरी कार्बन, एंड द अल्कोहल इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास, सो दिस इज अटैच्ड टू द अल्कोहल, दिस इज रिएक्टिंग विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड प्रोड्यूसिंग टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा, ये एस्टर के साथ जब रिएक्शन करता है, नाउ सी दिस इज एस्टर। जी सर रिएक्शन एक सॉल्वेंट यूज हो जाए होगा बिल्कुल, एक ही सॉल्वेंट यूज होगा, नेट दैट मस्ट बी THF और डाइथाइल ईथर, मतलब ईथर में ये रिएक्शन ज्यादा होता है। ये आप देख सकते हैं ना, ये हर हर एक सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्शन करता है ना, इतना रिएक्टिव है ये। या आप देख लेंगे, आप देखते जाएं, ये देखें, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एस्टर के साथ जब रिएक्शन करता है सो अगेन इट इज प्रोड्यूसिंग
टर्शियरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल. लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा होगा? दिस इज ओ आर डैश जो है ये प्राइमरी के साथ अटैच हो रहा है, और इसका जो आर डैश है ये टर्शियरी के साथ अटैच होगा. ये बहुत ज्यादा ख्याल रखें इसमें. जो मतलब एस्टर का ओ आर डबल डैश है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा. लेकिन जब आपके पास इसमें आर डैश होता है जो कार्बोनल की दूसरी साइड पे होता है, सो दिस इज अल्कोक्सी ग्रुप जो है, मतलब ये अल्कोक्सी इसको कहते हैं ना, दिस इज अल्कोक्सी ग्रुप जो है ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा. और अल्काइल ग्रुप जो है, सिंपल जो अल्काइल ग्रुप है, दिस इज प्रोड्यूस टर्शियरी अल्कोहल. अच्छा, दिस आर एम जी एक्स व्हेन एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड हैलोजन है ना, सो व्हाई इन्होंने शो किया दिस इज हैलोजन. आर दिस में भी ओ सी ओ आर डैश आर एस आर डबल डैश, लेकिन उसको छोड़ दे, एसिड हैलाइड्स को हम देते हैं. अगर ये एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस विल प्रोड्यूस द कीटोन, सिंपल कीटोन प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है दिस इज कमिंग फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अगर ये रिएक्शन करता है विद ये जो है अमीन्स हैं, सो इट इज रिएक्टिंग विद ये कौन से अमीन होंगे, आर टू एन सी ओ एच. तो एक साइड पे जो है आपके पास अमीन ग्रुप है, दूसरे साइड पे एल्डिहाइड है. सो दिस थिंग इज रिमूव्ड, दिस पार्ट इज रिमूव्ड एंड आर ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, एल्डिहाइड आपके पास प्रोड्यूस करता है. अच्छा, इसके अलावा ये जो है, अगर इस तरह के कंपाउंड के साथ जिनके एन जो है दैट इज एम ई, दिस इज अगेन एम ई एंड देन दिस इज मिथॉक्सी ग्रुप, दिस विल प्रोड्यूस कीटोन्स. तो ये जहाँ पे एक साइड पे हैच हो तो ये एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दूसरे साइड पे आपके पास अगर हैच ना हो और उसकी जगह आर डैश हो तो ये चीज़ रिमूव हो जाएगी. ये और ये सिमिलर हैं तकरीबन, लेकिन सिर्फ इस साइड पे फ़र्क है. ये इस साइड पे आर डैश लगा हुआ है और इस साइड पे हैच लगा हुआ है. तो अगर हैच हो तो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा, अगर आर डैश हो तो दिस आर विल बी रिप्लेसिंग दिस होल एन एम ई एम ई ओ ग्रुप प्रोड्यूस द कीटोन्स. व्हेन Grignard reagent reacts with carbon dioxide, this produces carboxylic acids. मतलब एयर के साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मैंने आपको कहा था कि Grignard reagent के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि the medium of the reaction must be inert. Inert होने का मतलब ये है कि ये इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, कोई मॉइस्चर ना हो. मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है दिस प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और जब मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है लाइक H2O के साथ, सो दिस प्रोड्यूसेस अल्कोहल. ये आप देख सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा ये एक और किस्म का सब्सट्रेट है, ये कीटोन ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें ये डबल बॉन्ड आया हुआ, तो दिस इज अगेन प्रोड्यूसिंग द टर्शरी अल्कोहल. ये और ये रिएक्शन सिमिलर है, इसमें कोई फर्क नहीं है. अच्छा, फिर ये अगर आप कार्बन, ये सीरियम कैटलिस्ट इन्होंने इसमें डाला, सीरियम कैटलिस्ट के साथ ये टर्शरी अल्कोहल बनाता है, लेकिन जो ये डबल बॉन्ड है ये अपनी जगह पे होता है. इसको मार्कोनिकाफ और एंटी मार्कोनिकाफ एडिशन कहते हैं. ठीक है, सो अगर आप कॉपर वन यूज करते हैं, सो फ्रॉम आर एम जी एक्स दिस आर इज कमिंग एंड अटैच्ड हियर. नजर आ रहा है? यस सर. अगर आप कॉपर यूज करते हैं, सो दिस आर इज अटैच्ड टू हियर, और डबल बॉन्ड जो है इधर से इधर चला जाता है.
मतलब टर्शियरी अल्कोहल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सबस्ट्रेट प्रोड्यूस होता है. सो दिस दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रीजो सेलेक्टिव अल्कोहल फॉर्मेशन. मतलब इसमें जो आपको जो बॉन्ड जहाँ पे किया होगा उस चीज़ को आप यूज़ करेंगे. अगर आपको सीरियम वाला पाथवे सही लगता है और वो अल्कोहल चाहिए सो यू कैन यूज सीरियम 3. और अगर आपको कॉपर वाला क्यूप्रस जो है उसका पाथवे सही लगता है और वो सब्सट्रेट चाहिए सो यू मस्ट यूज क्यूप्रस. सो ये इन्होंने मैकेनिज्म शो किया है कि किस तरीके से अल्कोहल बनता है. मतलब अब एक मैकेनिज्म शो किया है, बाकी मैकेनिज्म्स की ज़रूरत नहीं है. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट में ही हैं तो हमें मैकेनिज्म्स नहीं चाहिए, वो मैकेनिस्टिकली इसको पढ़ते हैं. दिस इज अ कीटोन, दिस वन रिएक्शन, दिस वन RMGX और टर्शियरी अल्कोहल जो बनता है कीटोन के साथ. CH3 दोनों साइड पर अटैच्ड है और RMGBR इसके साथ रिएक्शन करता है. सो RMGBR जो है इसका MG जो है वो कार्बोनल की ऑक्सीजन पे अटैक करता है और इसका जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनल के कार्बन पे अटैक करता है. सो अल्काइल ग्रुप जो इसका होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है और MG जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है. So the electrophilic center attacks on the oxygen and the nucleophilic center alkyl group, this is attacking on the carbon of the carbonyl. Carbon. So this produces this intermediate, this is MGBR, iske sath attached hai aur alkyl group jo MGBR RMGBR ka tha wo iske sath attached ho gaya. और दो मिथाइल जो पहले से इसके साथ थे वो पहले से मौजूद हैं. ठीक है, जब आप H3O प्लस डालते हैं सो दिस हाइड्रोजन इज अब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एसिड एंड दिस इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल. ठीक है, ये अल्कोहल बन गया है और बाकी जो रिएक्शन का होता है वो अपनी जगह होता है. इस चीज़ में अगर कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क मी, मैं प्रोसीड कर. ये वाटर नहीं है, ये एसिड्स हैं, ये एसिड्स हैं. एसिड में तो वाटर होता है, आप गैसियस एसिड तो नहीं डालते हैं. ठीक है, गैसियस एसिड आप नहीं डाल सकते क्योंकि अगर आप HCl डालते हैं तो वो भी गैस है. सो HCl इज डिसॉल्वड इन वाटर. HCl का जो आपको मिल रहा है वो मेरे ख्याल से 65% है कि 67% मिलता है और H2SO4 का जो सोल्यूशन होता है वो 98% होता है. इस तरह बाकी भी कोई एसिड आप यूज़ करते हैं तो वो आप देख लें तो उसका अपना सोल्यूशन होता है वाटर में. अगर इसको आप देख रहे हैं किसी भी एसिड की बोतल को आप जब खोलते हैं ना तो वो पहले उससे फ्यूम्स निकलते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्यूम इससे, ये असल में इससे एसिड जो गैशियस स्टेट में जो सॉल्युबल नहीं हो रहा और या जो निकल गया है सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो गई ओवर टाइम, वो निकल गए तो आपका एसिड वीक होता जाएगा. तो आप उसकी बोतल को कभी भी डिकैप ना रखें क्योंकि ये एसिड इससे निकलता रहता है. उसकी सॉल्युबिलिटी ये प्रेशराइज तरीके से इसको सॉल्युबल किया जाता है. जी, और should we proceed? Yes, sir. Achha. Now, this is the, these are the other reactions. Lekin isme sirf ek selected le lenge aur zarurat nahi hai. Theek hai, ye bahut zyada reactions hai, itni reactions padhne ki zarurat nahi hai. Ye jo ye epoxide show kiya gaya ye wala, theek hai, this is epoxide के साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है एंड दिस प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल. ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है एंड दिस प्रोड्यूसेस दिस इंटरमीडिएट ROOH. इसका क्या नाम है, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से परऑक्साइड है एक तरीके से. एंड दिस देन स्प्लिट्स अप इनटू प्राइमरी अल्कोहल. नाइट्राइल के साथ जब रिएक्शन करता है, नाइट्राइल्स हैं ये, दिस प्रोड्यूसेस कीटोन्स
मतलब आर इसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट का और इसका नाइट्राइल ग्रुप रिमूव हो जाता है और इसकी जगह नीट्रोजन बन जाता है। सल्फर के साथ जब रिएक्शन करता है तो थायोल्स बनाता है, आर एस एच कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और अगर आर एस एच आर एस एस आर के साथ इनके साथ जब रिएक्शन करता है सो दिस प्रोड्यूसेस दीज आर एस आर प्लस आर एस एच कंपाउंड्स टाइप के बनाते हैं। ये एक और ये वाला रिएक्शन मैंने छोड़ दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये वाला भी छोड़ दिया। सो यू मे सी दैट ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज इवन रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है। सो यू कैन नॉट एक्सपोज इट इन टू एयर, एयर के साथ ही रिएक्शन कर देगा आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं रहेगा। तभी ग्रिगनार्ड रिएक्शन जो भी करते हैं ना, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करना चाहते हैं, सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज नॉट अवेलेबल कमर्शियली। अगर कमर्शियली अवेलेबल भी होता है तो वो लेस रिएक्टिव होगा। ग्रिगनार्ड रिएक्शंस जो भी करते हैं तो वो पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट को खुद बनाते हैं, मतलब रिएक्शन फ्लास्क में खुद बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिक सब्सट्रेट उसी के ऊपर उसी वक्त में डाल लेते हैं, बस जल्दी से रिएक्शन हो जाता है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो दिस ऑक्सीजन को कोई भी मिनिमाइज नहीं कर सकता, ना कार्बन डाइऑक्साइड को कोई मिनिमाइज कर सकता है, ना वाटर को कोई मिनिमाइज कर सकता है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं और ये रेगुलरली अवेलेबल है हमारे एटमोसफेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में। वाटर भी अवेलेबल है, वाटर वेपर्स भी अवेलेबल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, और ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। सो यू आर सीइंग दैट दी थ्री आर रेडिली अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, सो यू कैन नॉट मिनिमाइज देम, दे विल इजीली रिएक्ट विद द ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड विल डिस्ट्रॉय इट। तो इसलिए आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका होगा, या जो दूसरी साइड पे आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सैलिक एसिड बन रहा था, ठीक है, और मॉइस्चर के साथ भी अल्कोहल बनता है। सो यू आर सीइंग दैट मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज डिस्ट्रॉइंग द ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सो इसको हम कहते हैं इनसीटो, यू आर प्रिपेयरिंग इन सीटो फॉर ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड देन यूजिंग इट फॉर द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अच्छा, ये फिर और भी रिएक्शन है लेकिन छोड़ दें इसको, ये जरूरी नहीं। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की तरह ये कंपाउंड्स भी इसी तरीके से बनते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेटिव एडिशन। द ओरिजिनल डाई इथाइल जिंक दिस वाज सिंथेसाइज्ड बाय फ्रैंकलैंड बाय ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ C5H2, दिस मीन्स बी C2H5, C2H5I2 जिंक। इसके साथ जब आप इसका रिएक्शन करते हैं सो दिस इज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड। किसी का माइक ऑन है एंड इज डिस्टर्बिंग मी। एहसानुल्लाह साहब का बहुत आन। अच्छा, सो डाइथाइल जिंक जो है ये फ्रैंकलिन ने पहली बार सिंथेसाइज किया था बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड विद जिंक मेटल। इसके अलावा हेलोजन जिंक एक्सचेंज, टू मेन हेलोजन जिंक एक्सचेंज रिएक्शंस आर आयोडीन जिंक एक्सचेंज एंड बोरान जिंक एक्सचेंज। अच्छा, सो इसमें भी क्या होता है, बोरान जिंक एक्सचेंज में और आयोडीन जिंक एक्सचेंज रिएक्शन जो है इसमें हम करते हैं, ये अभी शो कर रहे हैं। ट्रांसमेटलेशन, इन ट्रांसमेटलेशन डाइफिनाइल मर्क्यूरी रिएक्ट्स विद जिंक मेटल टू
produce phenyl diphenyl zinc and metallic Hg in Et2O, like iodine zinc exchange. ये जो है दिस इज ये तो इन्होंने 3 बनाया, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन इसमें ये जो है ये आप देख सकते हैं BrCH2COOR जिंक को आप रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ THF, दिस इज प्रोड्यूसिंग दिस जिंक ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड. जब आप इसके साथ फर्दर कोई ऑर्गेनिक सब्सट्रेट ऐड करते हैं सो दिस इज प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ यू कैन प्रिपेयर इट बाय रिएक्टिंग फिनाइल ब्रोमाइड विद ब्यूटाइल लिथियम. दिस प्रोड्यूसेस फिनाइल लिथियम एंड व्हेन दिस फिनाइल लिथियम इज रिएक्टेड विद जिंक क्लोराइड इट प्रोड्यूसेस this organic zinc derivative. ठीक है, फिर इसको ये यूज किया गया. ये छोड़ दें, ये जो साइड रिएक्शन है ना ये छोड़ दें, ये रिएक्शन छोड़ दें. और ये जो इन्होंने शो किया है ये MIB इधर इन्होंने लिखा हुआ है तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है और थीटा जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है. ठीक है, जो इन्होंने शॉर्टकट्स यूज किया तो इसके लिए फिर इसके बाद अगर मेटालिक कंपाउंड्स ऑफ बोरान है वो फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. अगर अभी कोई क्वेश्चन हो यू मे टर्न ऑन योर माइक्स एंड आस्क द क्वेश्चन. आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. जी